दोस्तों इंडोनेशिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? इस वीडियो को तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला होगा। यही चीज मैं आप सभी के लिए आज लेके आऊँ कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है जो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा वीडियो ला चुका है इंडोनेशिया का। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे कैसे वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? तो चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और इसकी सच्चाई क्या ये जानते हैं। पिछले 3-4 दिनों से इंडोनेशिया की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है कि एक लड़का और लड़की पर अल्लाह का अजाब किस तरीके से आया जब उन्होंने जिना किया। इंडोनेशिया में एक लड़का और लड़की जिनसी ताल्लुकात के दरमियान दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक गए। लोगों ने उनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो में लोगों के ज़रिए से ये दावा किया गया कि यह अल्लाह का अजाब है जिसकी वजह से एक दूसरे को अलग करना मुश्किल काम है। देखते ही देखते ये वीडियो फेसबुक पर इस कदर वायरल हुई कि मिलियन में इस वीडियो को देखा गया। लोगों ने अल्लाह का अजाब समझकर इसको इस कदर शेयर किया कि इसकी कोई हद नहीं। तो पूरा मामला क्या है, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। क्या वाकईतन इंडोनेशिया में ऐसा कुछ वाकया पेश आया है अल्लाह के अजाब के ताल्लुक से? और इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से लड़की की मौत हो गई, और कुछ लोगों का दावा यह भी था कि लड़का भी मर गया, वो भी नहीं बच पाया। इस वीडियो में यह भी बताया गया कि उन दोनों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया। रियलिटी बताकर इस वीडियो में हर एक चीज दिखाने की कोशिश की गई ताकि लोग आसानी से यकीन कर ले, यहां तक कि उन दोनों के लिए फातिहा भी किया गया और दुआएं तक की गई, और इस वीडियो में उन दोनों के लिए रोया भी गया ताकि अल्लाह का अजाब उनसे दूर हो जाए। तो बहुत सारे दोस्तों अहबाब के रिक्वेस्ट पर इस वीडियो की रियलिटी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यह पूरा वाकया सही में पेश आया या फिर सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई? वैसे इस वीडियो पर नजर पड़ी थी पहले मेरी, मगर मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और कमेंट पड़े हुए थे कि इस वीडियो के बारे में आप रियलिटी बताएं। लोगों ने इस वीडियो को इस कदर शेयर किया है कि इसकी कोई इंतिया नहीं है, और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि लड़की मर गई, किसी ने कहा कि दोनों ही मर गए। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कुछ वाकया पेश आया इंडोनेशिया में? तो आपको मालूम हो कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर जाली है, फर्जी वीडियो है, और इस फर्जी वीडियो के जरिए से अरबों लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया, और सबसे ज्यादा इस वीडियो को बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में देखा गया। और आपको पता होना ही चाहिए कि अल्लाह के अजाब का लेबल लगाकर कोई भी चीज शेयर कर दो, बहुत ज्यादा लोग शौक से देखते हैं। और यूट्यूब पर एक चैनल है गोबीस मामाज कारियो, ये चैनल, ये लोग इस तरीके के फर्जी वीडियोस बनाते रहते हैं। इनके YouTube चैनल पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस मौजूद है जो सब के सब फर्जी होता है। इस वीडियो में ना अल्लाह का अजाब है और ना ही इस वीडियो की रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक है। अल्लाह के अजाब से जुड़कर जो लोग भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, और जिन लोगों ने ये फर्जी वीडियो बनाई उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ये तमाम चीज़ें मेंशन भी किया हुआ है कि ये वीडियो फर्जी है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए है, कुछ सीखने के लिए है, अच्छा वाला रास्ता इख्तियार करें और बुराई वाले रास्ते को छोड़ दें, और अगर नाम और जगह में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। यानी इतना बड़ा काम करके अब ये लोग माफ़ी चाहते हैं। हम लोग इसको अल्लाह का अजाब समझकर इतना शेयर कर रहे हैं कि उसकी कोई इंतिया नहीं है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले तहकीक कर ले कि उसमें कुछ रियलिटी भी है या नहीं है, या फजूल में मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को ऐसे फर्जी चीज़ों से, ऐसे बेकार और फजूल चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए।